फाइनली समर स्लिम खत्म हो चुका है जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। वहीं इस पीपीवी के पास चीजें किस डायरेक्शन में जाएंगी उसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बॉबी लैशले का नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, शार्लेट फ्लेयर के लिए आगे क्या, आरके ब्रो को लेके क्या दिखेगा और ब्रॉक लेसनर को लेके बड़ा ट्विस्ट, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को बता दूं, WWE का नेक्स्ट पीपीवी एक्सट्रीम रूल्स है जो कि सितंबर में होने वाला है और अब उसके लिए ही रॉ और स्मैकडाउन ब्रांड्स में बिल्डअप दिखना शुरू होगा। शुरुआत करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर से, जिन्होंने समर स्लेम में रेहा रिप्ले और निक्की एश को हरा के वापस टाइटल हासिल कर लिया है, जिसके बाद लग रहा है कि WWE निक्की एश को अब टाइटल फ्यूड में नेक्स्ट पीपीवी तक तो लेके नहीं जाने वाली। इसलिए आने वाले रॉ के इस एपिसोड में हो सकता है कि शार्लेट फ्लेयर वर्सेस निक्की एश के बीच टाइटल रीमैच दिख जाए, जिस मैच में शार्लेट फ्लेयर निक्की एश को बुरी तरह हराती हुई दिखाई दे सकती हैं और टाइटल रिटेन कर सकती हैं। वहीं सवाल ये कि शार्लेट फ्लेयर के लिए अब आगे कौन होगा, तो रेहा रिप्ले और शार्लेट फ्लेयर के बीच काफी लंबी फ्यूड हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि शार्लेट फ्लेयर के साथ टाइटल पिक्चर में अलेक्सा ब्लिस आ जाएं। वैसे भी उनके अलावा अभी तो कोई ऑप्शन मुझे रॉ ब्रांड पर शार्लेट फ्लेयर के लिए नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अलेक्सा ब्लिस इस एपिसोड में शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट कन्फ्रंट कर सकती है या उनके साथ कोई माइंड गेम खेल सकती है। अब बात आती है अलायंस की, तो लास्ट वीक उन्हें एक सुनसान जगह पर गिटार जलाते हुए देखा गया था, जिससे साफ है कि अलायंस किसी न्यू गिमिक में नजर आ सकते हैं, मतलब कि नो मोर गिटार। वहीं न्यू गिमिक के साथ वो फिट कहां होंगे, तो हो सकता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल पिक्चर में दिखाई दे जाएं। अब देखना है कि उनके साथ आगे क्या होता है। अब आ जाते हैं कैरियन क्रॉस पे, तो पिछले कुछ वीक से कैरियन क्रॉस NXT चैंपियन होते हुए भी रॉ ब्रांड में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो NXT टेकओवर में हाल ही अपना टाइटल समोआ जो के अगेंस्ट हार चुके हैं। इट मींस हो सकता है कि अब वो प्रॉपर हमें रॉ ब्रांड में ही देखने को मिले। अब इस दौरान उन्होंने कीथ ली जेफ हार्डी के अगेंस्ट मैच लड़े, जीते भी हारे भी हैं, अब आने वाले इस एपिसोड में वो फिर से किसी मैच में दिखाई देंगे जहां उनकी जीत होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अब बात कर लेते हैं ड्रू मैकइंटायर और जिंदर महल की, तो ड्रू मैकइंटायर ने जिंदर महल को समर स्लैम पीपीवी में हरा दिया, जिसके बाद आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर जिंदर महल के खिलाफ फिर से मैच में दिखाई दे जाएं या वीर और शैंकी के खिलाफ मैच में दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसा कोई मैच दिखेगा तो साफ है कि जीत वहां ड्रू मैकइंटायर की होने वाली है। इस जीत के बाद ड्रू मैकइंटायर किसी और फ्यूड में मूव हो सकते हैं और जिंदर महल अपने फैक्शन के साथ किसी नए सुपरस्टार पर धावा बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं न्यूली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डैमियन प्रीस्ट पर, तो समर स्लैम पीपीवी में डैमियन ने शेमेस को हरा के टाइटल अपने नाम कर लिया है। अब ऐसा होने के चांसेस भी थे, मैंने प्रिडिक्ट भी कर लिया था। अब डैमियन प्रीस्ट न्यू चैंपियन बन चुके हैं, हालांकि मुझे लगता है कि WWE डैमियन प्रीस्ट की फ्यूड शेमेस के साथ कंटिन्यू कर सकती है। अब हो सकता है कि शेमेस इस एपिसोड में ना देखने को मिले, बट मिज और मॉरिसन का डैमियन प्रीस्ट के साथ कुछ ना कुछ जरूर दिखाई दे सकता है। अब हो सकता है कि डैमियन 2-on-1 हैंडीकैप मैच में मिज और मॉरिसन के खिलाफ दिखाई दे जाएं। अब ये मैच होता है तो आपको भी पता है जीत इस मैच में किसकी होगी। वहीं आने वाले इस एपिसोड में मिज और मॉरिसन के गेस्ट लोगन पॉल होने वाले हैं। अब देखते हैं लोगन पॉल को लेके क्या देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं रॉ टैग टीम डिवीजन की, तो फाइनली एज स्टाइल ओमास को हरा के आरके ब्रो न्यू चैंपियन बन चुके हैं। आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि WWE इन दोनों टीम्स के बीच टाइटल रीमैच दिखा दे, जिसमें आरके ब्रो टाइटल रिटेन कर लेंगे। अब आरके ब्रो रॉ ब्रांड पर एक फेस टीम के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनके सामने अब कोई हील टीम के आने के चांसेस हैं। हालांकि रॉ ब्रांड में एज स्टाइल ओमास बिज मॉरिसन के अलावा हील टीम मुझे तो नजर नहीं आ रही है, तो देखना होगा कि WWE आरके ब्रो के सामने किसको मौका देती है टाइटल के लिए। वहीं बात कर लेते हैं WWE चैंपियन बॉबी लैशले की, तो समर स्लैम में उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है, हालांकि उन्होंने गोल्डबर्ग को पिन नहीं करा, टैप आउट भी नहीं करवाया। रेफरी ने गोल्डबर्ग की हालत देख करके मैच रुकवा दिया, क्योंकि रेफरी को लगा कि वो आगे मैच में नहीं लड़ सकते, जिसके बाद बॉबी लैशले ने गोल्डबर्ग पर चेयर से अटैक करा और उनके बेटे को भी हर्ट लॉक लगा दिया, जिसके बाद ये साफ है कि गोल्डबर्ग और बॉबी लैशले के बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअल में चीजें इस फ्यूड के लिए अब शुरू हुई हैं, जो कि काफी पर्सनल हो चुकी हैं। बट सवाल वही कि गोल्डबर्ग तो WWE के साथ साल में 2 मैचेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में थे और उनके दोनों मैचेस इस साल के हो चुके हैं, बट मुझे लगता है कि ये इस साल एक्सटेंड होगा,
क्योंकि जो कुछ दिखा है उसके बाद ये पॉसिबल है। वहीं अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि गोल्डबर्ग का बॉबी लैशले के साथ मैच एक्सट्रीम रूल्स में होगा या अक्टूबर में सऊदी अरेबिया में होने वाले बड़े इवेंट क्राउन जूल में होगा, क्योंकि सऊदी वालों की खास डिमांड रहती है कि गोल्डबर्ग तो उनके इवेंट में होने चाहिए। तो हो सकता है WWE गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशले के बीच क्राउन जूल के लिए मैच प्लान कर रही हो। अब समर स्लैम में दो बड़े रिटर्न देखने को मिले हैं जो कि दोनों ही स्मैकडाउन के लिए हुए हैं, बैकी लिंच और ब्रॉक लेसनर। तो फॉक्स टीवी की तो बल्ले बल्ले हो गई है, अब US नेटवर्क WWE से नाराज हो सकता है। वैसे ही वो कहेगा कि हमारे शोज की रेटिंग्स की लगी पड़ी है और तुमने रॉ के लिए कोई भी रिटर्न नहीं दिखाया, तो हो सकता है कि यहाँ कोई रिटर्न दिखे नहीं। दिखा तो हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर को लेके कुछ बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल जाए। जब जॉन सीना का रिटर्न हुआ तो वो रोमन रेंज के साथ फ्यूड में थे, उन्हें रोमन रेंज के साथ ही समर स्लेम में मैच लड़ना था, बट बावजूद इसके रॉ ब्रांड में भी उनकी प्रेजेंस दिखाई गई ताकि रॉ की रेटिंग्स को थोड़ा बंप किया जा सके। ऐसा ही कुछ ब्रॉक लेसनर के केस में भी होता दिखाई दे सकता है। ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन के साथ साथ रॉ ब्रांड में भी दिखाई दे सकते हैं। अब ये तो आप ही मानेंगे ही कि ब्रॉक लेसनर वर्सेज रोमन रेंज के मैच से ज्यादा बड़ा और तगड़ा मैच बॉबी लैशले वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच होगा, बट ब्रॉक लेसनर का कन्फ्रंट रोमन रेंज के सामने हुआ है। तो क्या ब्रॉक लेसनर बेबी फेस के तौर पर लौटे हैं? अगर ऐसा है और WWE के माइंड में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशले के मैच के लिए कोई प्लानिंग चल रही है, तो हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशले के अगेंस्ट आने वाले रॉ के एपिसोड में कन्फ्रंट करें, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की सबसे ज्यादा जरूरत स्मैकडाउन को नहीं बल्कि रॉ ब्रांड को है। अब बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि WWE ने समर स्लैम में जो दिखाया वैसा ना देखने को मिले। सबको लगा है कि ब्रॉक लेसनर की वापसी रोमन रेंज के लिए हुई है, बट ऐसा ना हो, ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशले के बीच कुछ देखने को मिले। मेन इवेंट में WWE ने ब्रॉक लेसनर की वापसी शायद इसलिए कराई हो ताकि शो की एंडिंग अच्छी हो सके और फैंस के बीच में हाइप क्रिएट की जा सके। तो फ्रेंड, ये था आने वाले रॉ के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद है समर स्लैम के बाद वाला रॉ का एपिसोड धमाल मचाने वाला हो। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।